कैसी वाली ना बेटी, लगता है कि यहाँ आके हमें तो भूल ही गई हो। बस बेटा, अब मैं और कोई बात नहीं सुनूंगा, बस चलो हमारे साथ। बाबा, बस मुझे कहीं नहीं जाना, मैंने बहुत बर्दाश्त कर लिया, मैं अब मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकती। अलीना, तुम्हारा झगड़ा मुझसे, बाबा से नहीं है, तुम उनका कहना तो नहीं डाल सकती हो ना? क्यों मानूं मैं इनका कहना, जब ये मेरे लिए कुछ नहीं कर सकते तो? सब कुछ तो अपनी औकात से बढ़कर दिया है मैंने तुम्हें, और क्या चाहिए तुम्हें? औकात से बढ़कर या शादी के बाद तुम औकात भूल गए? उस्मान, मैंने तुम्हें क्या समझा था और तुम क्या निकले? अलीना, तुम अपनी हद में रहो, वरना 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 क्या? अपने घर से तो तुम मुझे निकाल ही चुके हो, लेकिन ये मत भूलो कि ये मेरे बाबा का घर है और यहाँ से मुझे कोई भी नहीं निकाल सकता। तो ठीक है, तुम रहो अपने बाबा के घर, अब तुम्हें वहां आने की कोई जरूरत नहीं है। देख रहे हैं भाई साहब, उस्मान अलीना की कितनी बेइज्जती कर रहा है। अरे, ये तो आपका और मेरा भी लिहाज नहीं कर रहा, अकेले में तो न जाने क्या करता होगा। मैं अब उस 80 गज के घर में नहीं रहूंगी मजीद, वहां दम घुटता है मेरा। मुझे एक बड़े इलाके में अच्छा सा बड़ा सा घर चाहिए और एक गाड़ी, जैसे आपकी बेटी इतने अच्छे लाइफ स्टाइल से यहाँ रह रही है, वैसे ही मुझे भी रहना है। अगर उस्मान ये सब कुछ अफोर्ड कर सकता है तो ठीक है, मैं चलूंगी साथ, और अगर नहीं कर सकता तो भूल जाए मुझे, मैं वापस नहीं जाऊंगी। लेकिन अलीना बेटी, अभी फौरन तो ये सब कुछ मुमकिन नहीं है, कुछ वक्त तो लगेगा ना उस्मान को ये सब कुछ हासिल करने में। देखा बाबा, मैं जानती थी कि आप मेरी बात कभी नहीं समझेंगे, जाहिर है आप अपने बेटे को ही सपोर्ट करेंगे ना। अरे नहीं नहीं बेटा, मैं तो सिर्फ तुम्हें समझा रहा हूँ कि ये सब कुछ इतना आसान नहीं है बेटा। तो ठीक है, अगर उस्मान ये सब कुछ नहीं कर सकता तो मैं वापस नहीं जाऊंगी। तो तुम नहीं आओगी हमारे साथ, ठीक है? अब मैं भी उसी वक्त इस घर में आऊंगा जब मैं ये सारी चीजें हासिल कर लूं, तुम बैठी रहो यहीं पे। चलें बाप। अरे बेटा। बाबा चलें। बहन जी, अलीना बेटी।